सपोर्ट और रेजिस्टेंस बस दो नाम नहीं है। अगर आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अच्छे से जान लिया तो आप ये समझिए कि आपने शेयर मार्केट या कहें ट्रेडिंग से जुड़े 90% प्रॉब्लम आपने जीत हासिल कर ली। तो दोस्तों, मैं हूं अरुण और मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आइए हम आज जानेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है और यह मार्केट में कैसे काम करता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है ये आज मैं डिटेल में बात करूंगा इसके बारे में, बट उसके पहले आपको छोटी छोटी चीजें हैं जो कि मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि देखिए ये बहुत जरूरी है कि आप लोगों को ये क्लैरिटी रहे, क्योंकि अक्सर लोग क्या है ना, ये नाम में उलझे रहते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस और बहुत सारी चीजें जिसको याद करने में लगे रहते हैं। इसको आप ध्यान से समझिए कि ये कल एग्जाम में नहीं आने वाला है, क्योंकि आप ट्रेडिंग वर्ल्ड में हैं और आप ट्रेड करने वाले हैं, यहाँ से आप पैसे बनाते हैं और पैसे गंवाते हैं। तो इसका जो लॉजिक है ना, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, क्या है, क्यों इसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहते हैं। तो एनीवेज, चलिए वीडियो को हम आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसका दो और नाम है जो कि मार्केट में आप लोग अक्सर सुनते होंगे। कई लोग सपोर्ट को, देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सपोर्ट जो है कुछ लोग सपोर्ट कहते हैं, कुछ लोग इसे डिमांड कहते हैं, कुछ लोग इसे एक्यूमुलेशन जोन कहते हैं, कुछ लोग इसे एक्यूमुलेशन कहते हैं। ठीक है, दूसरा है रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस इसे कई लोग क्या कहते हैं, सप्लाई कहते हैं, सप्लाई जोन कहते हैं, कई लोग इसे डिस्ट्रीब्यूशन जोन कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन जोन। ठीक है, तो नाम ऐसे तीन अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप समझिए कि पूरे ट्रेडिंग में या पूरी दुनिया में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है डिमांड और सप्लाई। ठीक है, इसी के ऊपर सब कुछ टिका हुआ है, डिमांड और सप्लाई। अगर आप लोगों ने ये समझ लिया कि डिमांड और सप्लाई क्या है, तो आपकी सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी, फिर ट्रेडिंग में आपको कुछ टफ नहीं लगेगा। ठीक है, थोड़ा वक्त देना होगा मार्केट को, उसके बाद आप धीरे धीरे सब समझ जाएंगे कि अच्छा, डिमांड और सप्लाई के बीच का ही खेल है सब कुछ। ठीक है, तो देखिए पहली बात तो ये जान लें, जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता दूं कि सप्लाई और डिमांड के वक्त हमें क्या करना है। ठीक है, एकदम सिंपल सा समझ रखिए, मैं ऐसे एक ड्रॉ कर देता हूँ लाइन, जबकि ऐसे लाइन होता नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि ये एक रेजिस्टेंस लाइन है। ठीक है, या आप से लाइन समझिए या जोन समझिए। ठीक है, बेसिकली होता एक जोन है, इसे आप सपोर्ट लाइन समझिए या फिर सपोर्ट जोन समझिए। ठीक है, बट है क्या ये रेजिस्टेंस, ये है सपोर्ट। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हमें जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं, जब भी हम ट्रेड लेते हैं, तो सपोर्ट पे हमें हमेशा बाई करना होता है। मैं बगल में लिख देता हूं ताकि आप लोगों को इजी रहे समझने में। ठीक है, सपोर्ट पे हमें सिर्फ बाई करना रहता है, और रेजिस्टेंस जब भी आएगा वहां पर हमें सेल करना रहता है। कुछ लोग इसे शॉर्ट कहते हैं, ठीक है, बाई को कई लोग इसे लॉन्ग कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं दो दो तीन तीन जो जो नाम है मैं लिख दे रहा हूं, ताकि कभी भी कहीं अगर आप किसी और के वीडियो में देख रहे हैं या फिर आप न्यूज चैनल खोल रहे हैं समझने के लिए, तो कुछ लोग कहेंगे कि मैं इस पोजिशन में लॉन्ग हूँ, मैं इस स्टॉक में लॉन्ग हूँ, तो लॉन्ग मतलब क्या है, मैंने खरीद रखा है। ठीक है, कई लोग कहेंगे मैं इसमें शॉर्ट हूँ, मैंने शॉर्ट कर रखा है, मतलब सेल कर रखा है, मैंने बेच दिया है। ठीक है, तो इस तरह से समझ के रखिएगा, सेल और शॉर्ट दोनों सेम है, बाई एंड लॉन्ग दोनों सेम है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सपोर्ट पर हमें सिर्फ बाई करना होता है, रेजिस्टेंस पे हमें सिर्फ सेल करना होता है। अब आते हैं, यहाँ ड्रॉ करते हैं। अब आप कई लोगों के मन में आएगा कि ऐसा तो नहीं है, हम तो रेजिस्टेंस पे ही बाई करते हैं। मान के चलिए एक स्टॉक ऐसे ऊपर आया, नीचे आया, ऊपर आया, नीचे आया, ऊपर आया, नीचे आया, इसके पीछे का लॉजिक क्या है बताता हूं। ये अगर सपोर्ट है, आप लोग देखिए इसे बहुत गौर से समझिएगा, ये पूरे लाइफ आप लोगों को काम आने वाला है, और आप ट्रेड करने करने वाले हैं, तो ये तो आपको हर दिन ये समस्या आएगी अगर आप समझेंगे नहीं तो। तो अगर बेटर हो तो आप लोग इसे हेडफोन लगाकर सुनो, ताकि कुछ भी मिस ना हो पाए, अगर कहीं अगर आवाज में थोड़ी दिक्कत हो तो आप लोग अच्छे समझ पाए, इसलिए आप हेडफोन लगा के यूज करें। और बेटर होगा कि बड़े स्क्रीन पे देखें, लैपटॉप पे देखें, चाहे कंप्यूटर पे देखें, मोबाइल में चीजें क्लियर नहीं हो पाती। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो ये है सपोर्ट, ये है रेजिस्टेंस। ठीक है, कोई भी स्टॉक, चाहे आप किसी कंपनी का स्टॉक पकड़ लो, या आप इंडेक्स की बात कर लें, चाहे आप इंडेक्स की बात कर लें,
चाहे आप स्टॉक की बात कर लें, ठीक है, अगर प्राइस यहां से ऊपर जा रहा है तो यहां पर सेलर बैठे होंगे, ठीक है, यहां सेलर के पास क्या होता है, यहां पे लोग सेल करते हैं, जब यहां सेलर्स बैठे होंगे तो यहां सेल करेंगे और प्राइस फिर नीचे आ जाता है, जब सेलर बेचते हैं तो प्राइस नीचे आता है, अगेन यहां नीचे बायर बैठे हैं सपोर्ट जोन पर, ठीक है, सपोर्ट जोन पर बायर बैठे हैं, तो बायर यहां क्या करेंगे, यहां बाइंग करते हैं, और जब ये बाइंग करते हैं तो फिर प्राइस अगेन ऊपर चला जाता है, और यहां पे आपने देखा होगा कि पीछे यहां पर जब सेलिंग हुई थी तो प्राइस जब नीचे आया था तो ये एक रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस मतलब ये एक सप्लाई जोन है, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन है जहां पर लोग सेल करते हैं, तो यहां पर सेलर बैठे हैं इस जगह पे, तो जैसे ही यहां पर प्राइस पहुंचेगा वापस यहां पे लोग सेल करेंगे, वापस प्राइस नीचे आएगा, वापस यहां बाइंग होगी, वापस यहां पर जब बाइंग होगी तो ऊपर प्राइस आएगा, यहां से वापस सेलिंग होगी प्राइस नीचे आएगा, ठीक है। अब आप लोगों को क्या लगेगा कि ये क्या इसी जोन में घूमता ही रहेगा क्या, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब क्या है कि मार्केट में बायर या सेलर जो स्ट्रांग होंगे, ठीक है, जो स्ट्रांग होंगे उस तरफ मार्केट मूव करेगा। अब मान के चलिए कि यहां से अब मार्केट ऊपर की तरफ ही जा रहा है, अब नीचे नहीं आ रहा है, सपोर्ट की तरफ नहीं आ रहा है, ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि बायर प्राइस को पुश कर करके ऊपर लेके जा रहे हैं, तो जितना प्राइस ऊपर जाएगा नीचे की तरफ कम रहेगा, सपोर्ट की तरफ कम, रेजिस्टेंस की तरफ ज्यादा रहेगा, तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि अब जो है ये रेजिस्टेंस को तोड़ के मार्केट अब ऊपर निकलेगा, है ना, प्राइस अब ऊपर जाएगा। इसका मतलब क्या है कि डिमांड बहुत ज्यादा है इस स्टॉक का या फिर इस इंडेक्स का, डिमांड बहुत ज्यादा है, अभी मार्केट ऊपर जाएगा। इसका ठीक उल्टा, अगर मार्केट में अगर ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट बना हुआ है, प्राइस अगर ऐसे होते होते अगर प्राइस सपोर्ट जोन के पास अगर मूव करना शुरू कर दे और इसे ब्रेक करे, तो अब क्या है इसका मतलब हो गया कि अब सेलर बहुत स्ट्रांग है, प्राइस को लेकर नीचे आ गए, और जो बायर है वो वीक हो गए, क्योंकि बायर तो नीचे बैठते हैं, बायर नीचे बैठते हैं और सेलर ऊपर बैठते हैं, तो सेलर जो है वो बेचते बेचते इस प्राइस को नीचे लेकर आ गए, ठीक है। अब देखिए, कई लोगों के मन में ये प्रश्न होगा कि ऐसा तो नहीं, आपने तो कह दिया कि सपोर्ट पे सिर्फ हमें बाई करना है और रेजिस्टेंस पे हमें शॉर्ट करना है, ठीक है। तो देखिए, हमेशा जान के रखिए, जो अभी सपोर्ट है, ठीक है, अभी ये जो सपोर्ट है और ये जो रेजिस्टेंस है, याद रखिए कि अगर ये प्राइस इस रेजिस्टेंस को तोड़ देता है, इस रेजिस्टेंस को तोड़ देता है, तो वापस जब ये ऊपर से आएगा तो यही रेजिस्टेंस वापस सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है, यही रेजिस्टेंस वापस सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि अब ये टूट के ऊपर गया है, अब ये सपोर्ट का काम करेगा, यहाँ पे प्राइस थोड़ा होल्ड करेगा। वापस अगर यहां से अगर ऊपर निकलता है तो ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस ये फिर यहां पर प्राइस को रोकेगा, यहां पर प्राइस को रोकेगा, और अगर यहां से अगर वापस आ गया तो ये सपोर्ट का काम करेगा, और अगर ये सपोर्ट टूट गया तो वापस इस जोन में आएगा, इस सपोर्ट के पास आएगा, ठीक है। तो ये प्राइस जो है हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही मूव करता है। अब क्या है, देखिए ये हो गया अप ट्रेंड, बहुत गौर से समझिएगा, इस वीडियो को आप कहीं मिस मत कीजिएगा, स्किप करके मत देखिएगा, ठीक है, आप एक एक सेकंड यहां मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो मैं समझा रहा हूं ये आपको पूरे लाइफ ये हेल्प करने वाला है, और ये पूरे मार्केट में हर जगह यहीं पर आपको प्रॉब्लम होगी जब आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को नहीं समझेंगे, कहां स्टॉप लॉस लगाना है, कहां पर आपका टारगेट होगा, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जिस दिन आप समझ गए ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, तो फिर मार्केट का पूरा जो गेम आप समझ गए। तो ये हो गया अप ट्रेंड, ये हो गया डाउन ट्रेंड, ठीक है। अब कुछ भी हो जाए मार्केट में, आपके दिमाग में एक चीज बैठ गया है कि मुझे सपोर्ट पर खरीदना है और मुझे रेजिस्टेंस पे बेचना है, बस सिंपल सी ये बात आप लोग अपने दिमाग में डाल के रख लीजिए कि हमें सपोर्ट के टाइम में खरीदना है और रेजिस्टेंस में बेचना है, ठीक है। अब वो किसी तरह से मार्केट बने, मार्केट चाहे ऐसे साइडवेज में रहे घूमे मार्केट, ठीक है, इसे साइडवेज मार्केट कहते हैं, या मार्केट अप ट्रेंड में घूमे ऐसे, ठीक है, ऐसे रहे, या मार्केट डाउन ट्रेंड में मार्केट ऐसे मूव करे, ऐसे करे, किसी भी कंडीशन में मार्केट रहे, होता क्या है, ऊपर का रेजिस्टेंस, ठीक है, नीचे का सपोर्ट, साइडवेज मार्केट रहे तब भी ये ऊपर है रेजिस्टेंस, नीचे है सपोर्ट, डाउन ट्रेंड मार्केट अगर है तो ऊपर का तब भी है रेजिस्टेंस और नीचे का है सपोर्ट, तो कंडीशन कुछ भी हो, रेजिस्टेंस और सपोर्ट अपनी जगह पर इंटैक्ट है ना। तो मार्केट चाहे ऐसे जाए, चाहे मार्केट ऐसे घूमे, ठीक है,
हमें बस ध्यान रखना है कि जब प्राइस सपोर्ट पर आएगा तो हमें बाई करना है और रेजिस्टेंस पे आएगा तो हमें सेल करना है, ठीक है। तो अब देखिए कई लोग होंगे ऐसे करते हैं ट्रेड कि मार्केट यहां से ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है और इसे तोड़ दिया, ठीक है, इसे तोड़ के थोड़ा ऊपर गया, अब यहीं पे खरीद लेते हैं, यहीं खरीद लेते हैं। अगर आपने यहां खरीद लिया तो आप सोचिए कि आपका स्टॉप लॉस कहां होगा, जो प्रीवियस जो स्विंग होगा यहां आपका स्टॉप लॉस होगा, है ना, प्रीवियस स्विंग। तो जब प्रीवियस स्विंग जब यहां पर आएगा मार्केट, तो चांसेस ज्यादा है कि मार्केट नीचे आ जाए, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा ट्रेड कहां लेना होता है, आपको ट्रेड हमेशा लेना चाहिए वहां पर जहां पर आपका स्टॉप लॉस कम हो और टारगेट ज्यादा हो। अगर मार्केट ऐसे मूव करते करते ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर जा रहा है, तो आपको यह अगर ये एक बार हायर हाई बनाया हायर लो बनाया तो आपको यहां खरीदना है और नीचे यहां का स्टॉप लॉस होना चाहिए और टारगेट आपका यहां का होना चाहिए रेजिस्टेंस का, है ना, यहां पर आपका टारगेट होना चाहिए। और डाउन ट्रेंड में क्या होना चाहिए कि जब डाउन ट्रेंड रहे मार्केट में, डाउन ट्रेंड रहे मार्केट में, तो हमें यहां शॉर्ट करना है, यहां हमें यहां सेल करना है, यहां का हमारा होना चाहिए स्टॉप लॉस और यहां का होना चाहिए हमारा टारगेट, ठीक है, यहां का हमारा होना चाहिए टारगेट सपोर्ट पर। तो ये बहुत सिंपल सा है फंडा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं चार्ट में, ठीक है, चार्ट में देखते हैं तो चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए मैं आज का ही दिखला देता हूं, आज बैंक निफ्टी, आज का डेट हो गया 30th जून 2023। मैं बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लेता हूं, आप लोग देख लीजिए चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। देखिए बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ, बैंक निफ्टी में आज मार्केट ऊपर खुला, ऊपर से नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, उसके बाद देखिए हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, इसी फॉर्मेशन में मार्केट ऊपर जा रहा है। अभी देखिए एक साइडवेज मार्केट में है, ठीक है, अभी एक साइडवेज मार्केट में है। ये अगर आप लोग समझ गए ना तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम कर रहा है, कितना बखूबी काम कर रहा है, वो मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, अब ये देखिए, अब मैं इसे मार्क कर देता हूं। आप लोगों ने अगर मेरे पिछले कुछ वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये देखिए मैं एक ट्रेंड लाइन मार्क कर देता हूं, ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन मार्क कर देता हूं। ट्रेंड लाइन के बारे में अगर ना पता हो तो मैं ट्रेंड लाइन के बारे में मैं वीडियो के नीचे मैं लिंक डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये मैं मार्क कर दे रहा हूं, ये एक सपोर्ट है, ठीक है, ये एक सपोर्ट जोन है, ठीक है, नीचे, और ये एक ट्रेंड लाइन है। अब आप देखिए मार्केट जब तक हायर हाई हायर लो या लोअर हाई लोअर लो के फॉर्मेशन में नहीं अगर मूव कर रहा है तब तक हम कहते हैं मार्केट साइडवेज में है, ठीक है। मार्केट, मैंने आपको क्या बताया कि मार्केट अगर हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो इस फॉर्मेशन में अगर मूव नहीं कर रहा है, अगर ऐसे मूव कर रहा है तो हम इसे कहेंगे अप ट्रेंड में है, ठीक है। अगर ऐसे मूव नहीं कर रहा है तो कम से कम लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो इस तरह से मूव करे तो हम कहेंगे डाउन ट्रेंड में है मार्केट, है ना। अगर मार्केट हायर हाई बना रहा है, हायर लो बनाया, फिर लोअर हाई बना रहा है, फिर हायर लो बना रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो देखिए कोई फिक्स कंडीशन में मूव नहीं कर रहे मार्केट। मार्केट जो है एक ही जोन में, यानी कि साइडवेज मार्केट है ना, हायर हाई बना रहा है ना हायर लो बना रहा है, ये एक रेंज में घूम रहे मार्केट, जिसे हम कहते हैं साइडवेज। तो अभी जिस तरफ मार्केट मूव तोड़ेगा, अगर ये सपोर्ट तोड़ेगा तो नीचे मार्केट जाएगा, और ये ऊपर का जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। अब अगर रेजिस्टेंस तोड़ेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। तो सिंपल सा है, सपोर्ट तोड़ा तो मार्केट नीचे, रेजिस्टेंस तोड़ा तो मार्केट ऊपर, ठीक है। तो अभी हम समझ लेते हैं कि मार्केट देखिए ऊपर से आया, यहां नीचे आया, ठीक है ना। उसके बाद यहां पे ये जो प्रीवियस हाई था इसको तोड़ा नहीं, तो मैं इसे कह सकता हूं कि लोअर हाई बनाया, मैं इसे कह सकता हूं लोअर हाई बनाया, लोअर हाई बनाया, बट ये जो लोअर लो था, ये पिछला जो यहां जब मार्केट खुला था तो यहां पर आया था, लो बनाया था। अभी क्या ये जो लो है प्रीवियस लो को तोड़ा? नहीं तोड़ पाया, तो ना हायर हाई बनाया ना लोअर लो बनाया, मतलब इसी सपोर्ट के पास, ये जो सपोर्ट लाइन मैंने ड्रॉ किया, इसी सपोर्ट के पास वापस मार्केट ने सपोर्ट लिया,
फिर यहाँ बाइंग हुई, उसके बाद मार्केट यहाँ गया, अब ये हायर हाई भी नहीं बनाया, फिर यहाँ आया। तो आप मार्क कर लीजिए, जैसे ऐसा ऐसा कंडीशन आएगा ना, जैसे ही देखिएगा कि दो तीन बार उसी रेंज से मार्केट नीचे आ रहा है, आप एक ट्रेंड लाइन मार्क कर लीजिएगा, ठीक है, तुरंत एक ट्रेंड लाइन मार्क कर लीजिएगा, और नीचे एक सपोर्ट जहां से प्राइस मूव करे वहां पर आप दो टच को मिलाकर आप स्ट्रेच कर दीजिएगा लाइन को, और ऊपर से अगर स्लैंटेड वे में अगर मार्केट अगर आ रहा है और इस रेंज के ऊपर नहीं जा रहा है तो उसे आप मिलाकर एक लंबी लाइन खींच दीजिए, जिसे हम कहते हैं ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो अब जब ट्रेंड लाइन आप मार्क कर लेंगे तो आप देख पाएंगे कि एक टच हुआ, दो टच हुआ, तीन टच हुआ, उसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, क्योंकि साइडवेज में मार्केट कब तक रहेगा, कभी तो मूव करेगा, कभी तो ब्रेकआउट देगा, चाहे नीचे जाए चाहे ऊपर जाए, तो जिस तरफ ब्रेकआउट देता है उस तरफ मार्केट निकलना शुरू हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे कितना अच्छा, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, यहाँ ब्रेकआउट दिया, तो अभी आप का पोजीशन क्या होना चाहिए, यहाँ पर अगर आपने परचेस किया है तो अगर आप ज्यादा रिस्की नहीं है तो आप यहीं पे अपना सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्ट बोल रहा हूँ, यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस डालिए और आगे राइड कीजिए 1:2, 1:3, जो आपका जो है जिस तरह से कम मिनिमम जो डे का हाई जो था प्रीवियस वहां तक आप टारगेट बुक कीजिए, ठीक है। या तो जो लॉजिकल वे में अगर देखें, यहां पर अगर आपने बाई किया तो आपका सपोर्ट के पास आपका होना चाहिए स्टॉप लॉस, ठीक है, यहाँ स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है। अब हो गई बात सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, तो देखिए प्राइस कैसे मूव कर रहा है वो देखिए आप, यहां पर आप देखिए कि कितने अच्छे से प्राइस यहाँ ऊपर से मार्केट नीचे आया, मैं एक बार दिखाता हूँ आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ से मार्केट नीचे आया, काफी नीचे तक आया, यहाँ तक आया, बट यहाँ से बाइंग स्टार्ट हो गई, यहाँ से बायर लेके जाके क्लोजिंग दिए यहाँ पर, है ना, वापस मार्केट थोड़ा ऊपर गया, बायर यहाँ तक लेके गए, लेकिन अगली कैंडल जो है थोड़ी नीचे आई, वापस से सेलिंग शुरू हुई, बट इस जो लो है इसको तोड़ के नीचे नहीं आया, इसके नीचे आता तो हम समझते कि मार्केट में अभी भी वीकनेस है, लेकिन अगली कैंडल जो है इस ग्रीन कैंडल के अंदर ही इनसाइड बार बना, ठीक है, इस कैंडल के अंदर ही यहाँ कैंडल क्लोज हुआ, और उसकी उसके बाद की जो कैंडल है उसने यहाँ सपोर्ट लिया और इस हाई को तोड़ के ऊपर निकल क्लोजिंग दिया, ठीक है ना। तो हमें कंफर्म हो गया कि मार्केट में अभी भी वीकनेस नहीं है, मार्केट स्ट्रांग है, बुलिश मार्केट है, तो यहाँ ऊपर चला गया, तो यहाँ सपोर्ट हम मार्क कर सकते हैं, जहां पर थोड़ा सा सपोर्ट लिया यहाँ पे मार्क कर लिया हमने सपोर्ट, और एक लंबी लाइन हमने ड्रॉ कर ली। अब मार्केट ऊपर गया, ऊपर से वापस देखी प्राइस आया ठीक इसी जोन में आके सपोर्ट लिया, मार्केट सपोर्ट लिया, है ना, फिर मार्केट ने हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, अभी आपको दिखेगा कितना अच्छे से, ये देखिए जहां पर मार्केट यहाँ आया था और फिर यहाँ से सेलिंग हुई थी, इसी जोन, इसी को कहते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस, देखिए समझिए इस चीज को, कि मार्केट यहाँ पे आके सपोर्ट लिया, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद वापस जो एक पुल बैक हुआ, कहां से सपोर्ट लिया, इसी जोन पे आके सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ने देखिए गौर से देखिए इसे ब्रेकआउट दिया, इसे ब्रेकआउट दिया, इस जोन को ब्रेकआउट देने के बाद एक पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद वापस मार्केट देखिए ऐसे जा रहा है, और कहां आके सपोर्ट लिया आप देखिए, वापस जब मार्केट मूव किया आके इतना नीचे तक आया, यही ठीक सपोर्ट लिया। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितना इंपॉर्टेंट है आप देखें, इसी सपोर्ट के पास इसी जगह पर आके मार्केट ने सपोर्ट लिया और एक हैमर बना के वापस मार्केट ऊपर निकल गया, फिर मार्केट नीचे आया, मार्केट नीचे कहां तक आया देखिए, जो रेजिस्टेंस होता है मैंने आपको क्या बताया कि जब रेजिस्टेंस टूट के ऊपर जब चला जाता है मार्केट, फिर वापस जब नीचे आता है तो वही सपोर्ट का काम करता है, देखिए मार्केट फिर वापस वही सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर चला गया, ऊपर कहां गया इसी रेजिस्टेंस के पास से देखिए, ये जो जोन है यहां पर वापस उसको रेजिस्टेंस मिला, मार्केट नीचे आया और फिर देखिए मार्केट को यही रेजिस्टेंस मिला, अब मार्केट प्रीवियस लो को तोड़ दिया है, प्रीवियस लो को तोड़ के नीचे आ गया है ना। तो अभी देख रहे हैं मार्केट पिछले काफी समय से इसी रेंज में है, यहाँ पे इस रेंज में है, तो हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि मार्केट में जब भी एक सपोर्ट पर प्राइस आए, इस सपोर्ट पर प्राइस आए तो हमें यहाँ बाइंग करनी है, और जैसे ही ये रेजिस्टेंस है यहाँ तक हम अपना टारगेट बुक कर लें, और अगर बुलिश मार्केट है और आप प्राइस एक्शन समझते हैं तो आप बने रहिए, क्योंकि अगर प्राइस तोड़ के ऊपर गया है वापस अगर आकर वेट कम से कम कोशिश कीजिएगा कि जो प्रीवियस जो स्विंग है वो जब तक नहीं टूटता है तब तक आप बने रहिए, अगर ये स्विंग टूट जाता नीचे आ जाता तो आप निकल जाइए, तुरंत निकल जाइए, और यहाँ पे आके सपोर्ट लिया फिर ऊपर जा रहा है आप बने रहिए, रेजिस्टेंस पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, ठीक है।
तो इसी तरह से किसी भी चार्ट को आप देखिए, ठीक है, आपको मैं दिखाता हूं, किसी भी चार्ट को देखिए, कहीं पर भी देखिए, आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही मार्केट मूव करता रहता है, ठीक है। मैं बड़े टाइम फ्रेम में कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझने में सुविधा हो। हाँ, अभी देखिए, मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि मार्केट चाहे अप ट्रेंड में रहे, चाहे साइडवेज में रहे, चाहे डाउन ट्रेंड में रहे, ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपना काम करता रहता है। तो देखिए, मैं एक ऐसे ड्रॉ कर देता हूं एक ट्रेंड लाइन, तो आप समझ पाएंगे ये ट्रेंड लाइन जो है ये भी तो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, क्योंकि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में आता है तो क्या होता है, लोअर हाई लोअर लो। मार्केट डाउन ट्रेंड में क्या बनाता है, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, ऐसी फॉर्मेशन में जाता है ना मार्केट। तो आप देखिए, अगर यहां पर बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है यहां पर, मतलब ये हमारा रेजिस्टेंस लाइन है, ठीक है ना। तो जब ये रेजिस्टेंस टूटेगा, जिस तरफ टूटेगा मार्केट, उस तरफ मार्केट जाएगा। और अगर नीचे की तरफ टूटता, अगर नीचे की तरफ टूटता प्राइस, तो फिर मार्केट नीचे की तरफ जाता, क्योंकि नीचे हमारा सपोर्ट है, क्योंकि नीचे हमारा सपोर्ट है। तो चाहे ये डाउन ट्रेंड मार्केट रहे, चाहे ये अप ट्रेंड मार्केट रहे, चाहे साइडवेज मार्केट रहे, याद रखिएगा ऊपरी हिस्से को हम कहते हैं रेजिस्टेंस, निचले हिस्से को कहते हैं सपोर्ट। तो सपोर्ट को तोड़ा तो मार्केट नीचे, रेजिस्टेंस को तोड़ा तो मार्केट ऊपर। सपोर्ट पर हमें बाई करना है, यहां बाई करना है, और रेजिस्टेंस पे हमें सेल करना है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आप इतना सा सिर्फ सिंपल सा जो मैंने बताया समझ लिया ना आपने, तो आपको ट्रेडिंग में कभी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, 90% प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, और भी अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग अगर आपको टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो प्लीज इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिए, और इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।